इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ेंगे हमारे बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं कस्टम लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट पहले हम कस्टम देखेंगे कस्टम इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लीगल सिस्टम वाई बिकॉज इट रेगुलेटेड ह्यूमन कंडक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ बट इट प्रीडेट्स लेजिस्लेशन वेन आई से इट प्रीडेट्स लेजिस्लेशन आई मीन की सिंस आई हैव सेड इट इट्स एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग तो उस लेजिस्लेशन से पहले हमारे में कस्टम हुआ करता था तो ओल्डियर व्हाट यूज टू हैपन किंग वॉज नॉट द मन हु मेड लॉ बट इट वॉज द पीपल हु मेड लॉ तो कस्टम लोग बनाते थे एंड कस्टम इज सॉर्ट ऑफ अ लॉ विच इज़ यूज टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी तो आज वो लॉ वही करता है इट जस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स यहाँ पे क्या है कस्टम जिसका सोर्स क्या है पीपल नॉट द किंग हीर राइट सो बट जो कस्टम की इंपॉर्टेंस है वो हमारे लीगल सिस्टम में कम हो गई है क्यों क्योंकि नाउ वी हैव डेफिनेट टाइप्स ऑफ सोर्सिस ऑफ लॉ एज ए लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस बन गई हैं हाउ अ लेजिस्लेशन वुड कम अबाउट हाउ अ प्रेसिडेंट वुड कम अबाउट बट हम कस्टम को लेकर इतने श्योर नहीं हैं इतने क्लियर नहीं हैं तो क्लियर लॉ कौन सा है लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट कस्टम इज नॉट दैट क्लियर राइट सो इन्फ्लुएंस ऑफ अ कस्टम ऑन सोसाइटी सिमिलर टू दैट लॉ ऑनर स्टेट यह एनालॉजी ड्रॉ करिएट्स ब्यूटिफुल एनालॉजी यू कैन रीड इट सो द बेसिक क्रक्स हाउ टू अंडरस्टैंड वट इज अ कस्टम दैट इज फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन हैव अ कस्टम मे भी डिफाइंड एज कंटिन्यूइंग कोर्स

कस्टम फॉलो हो रहा है इट विल फिक्स द नॉम एज एंड फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जहां पर कस्टम एप्लीकेबल है अभी हम इसको और डिटेल में करेंगे देर आर फ्यू फैक्टर्स टू मेक एनी थिंग अ कस्टम विच वी वुड लुक इन तो ये ओरिजिन ऑफ कस्टम है विच आई दिस आई हैव टेकन फ्रॉम वी डी महाजन सो दैट यू कैन राइट दिस इन योर एग्जाम आज फल ताकि आपको ईजी रहेगा और आपको बुकिस लैंग्वेज भी आई इच वे टू स्कोर मार्क्स इन ओ तो वही सेम चीज़ें जो मैंने लिखवाई है कि जो मैंने बताया था कस्टम इज़ दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग एंड एंड व्हेन एनीथिंग थिंग इज डन एनी सेम थिंग इज डन अगेन एंड अगेन इन अ पर्टिक्युलर वे विच इज़ कंटिन्यूअसली एंड अनइंटरप्टिडली इट बिकम अ कस्टम देर आर अदर पैरामीटर्स टू इट बट वी विल गो इन टू नाउ so requisites are valid custom when would anything become a custom when would a, a, a rule or regulation which people bring out which people thought we should try this now ki hum ab aisa rule ab laate hain humne society mein but wo cheez custom kab banegi हमारे में ये सारी चीज़ें हैं on the satisfaction of these factors एक चीज़ custom बन जाएगी Reasonability. The custom must be reasonable or practical, and it must conform with the basic morality prevailing in the modern day society. Custom reasonable होना चाहिए. Antiquity. इसका मतलब it should be practiced from time immemorial. इसका मतलब क्या है कि हमें पता ही नहीं इसका origin क्या है. वो इतने सालों से people have been practicing it. Now we do not even know कि वो कहाँ से हम वो pinpoint नहीं कर सकते उसका origin, but it has been been practiced. And certainty. The custom must be clear and unambiguous on how

नेक्स्ट यू हैव मस्ट नॉट बी ऑपोजिशन टू पब्लिक पॉलिसी इट मस्ट अडियर टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट जैसे पब्लिक पॉलिसी हो गई हमारा अगर कोई कस्टम है गैम्बलिंग का अगर हमारी पब्लिक पॉलिसी है स्टेट पॉलिसी है कि गैम्बलिंग इज इमोरल या फिर गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी है तो कस्टम फिर नहीं माना जाएगा क्योंकि इट्स इन ऑपोजिशन ऑफ द बेसिक पब्लिक पॉलिसी ऑफ दैट स्टेट इट मस्ट भी जनरल और यूनिवर्सल दैट इज देर मस्ट भी यूनानिमिटी इन द ओपिनियन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ प्लेस इन विच इट इज़ प्रैक्टिस ऐसा मैंने बताया था कि आपको इस वाले डेफिनेशन में कि इट मस्ट भी रिगार्डिड बाय द मेम्बर ऑफ द सोसाइटी एज अ रूल ठीक है मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड एक्सेप्टेड एक्सप्रेस ऑफ एन एम्प्लाइड एक्विशंस की बात करी थी हमने तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि इट शुड बी यूनिवर्सल जनरल इन इट्स एप्लीकेशन कि सब पे अप्लाई होगा और सब एग्री करेंगे या फिर सब के लिए सब ने एक्सप्रेस अपनी वैलिडेशन दे रखी है तभी ये कस्टम वैलिड होगा नाउ देर आर फ्यू थ्योरीज रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इन टू लॉ कि कोई चीज़ कस्टम कैसे बनती है हमारी हिस्टोरिकल थ्योरी बोलती है कि द ग्रोथ ऑफ लॉ डज़ नॉट डिपेंड ऑन अपॉन द आर्बिट्री विल ऑफ द इंडिविजुअल कि एक इंसान ने नहीं बनाया कि या फिर कोई एक्सीडेंटरी नहीं बन गया है कस्टम कस्टम बनाया इट इट इज एज अ रिजोल्ट ऑफ ए इंटेलिजेंस ऑफ पीपल कि इनर सेंस ऑफ लाइट या फिर इनर सेंस ऑफ राइट रदर बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ सच इंटेलिजेंस एंड नॉट बिकॉज ऑफ आर्बिट्री और एक्सीडेंटल इन नेचर ऐसा कुछ नहीं था कस्टम एक इंटेलिजेंस ऑफ पीपल एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस पीपल जब कम टूगेदर करते हैं देन थिंक ऑफ समथिंग टू डू विच इज़ कस्टम एक कंडक्ट जो रेगुलेट करेगा ह्यूमन बिहेवियर को ऐसी चीज़ जब ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाती है तो वो कस्टम बनता है एक आर्बिट्रेरी और एक्सीडेंटल नहीं है ये ऐसा हिस्टोरिकल थ्योरी बोलती है नेक्स्ट वी uh, है एनालिटिकल थ्योरी यहाँ पे एनालिटिकल थ्योरिस्ट या फिर ज्यूरिस्ट प्रोडेंट जो ज्यूरिस्ट हैं हमारे ऑस्टिन वगैरह ये दे आर दी वन हु इज़ एडवोकेटिंग फॉर दिस एनालिटिकल थ्योरी दे से कि कस्टम आर नॉट पॉजिटिव लॉ पॉजिटिव लॉ क्या होता है जिसमें सेंक्शन बैक्स दैम एज एन इफ यू आर नॉट रेगुलेटिंग सच पॉजिटिव लॉ सेंक्शन वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट नॉट कंपलायंस और अगर कस्टम में नॉन कम्प्लायंस में कोई सैंक्शन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो वो लॉ नहीं है ऐसा ये बोल रहे हैं कि कस्टम आर नॉट पॉजिटिव लॉ कस्टम बिकम्स लॉ वेन इट इज इंबॉर्डिड इन एन एक्ट ऑफ लेजिस्चर बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं जब तक कस्टम बाइंडिंग नहीं बनेगा ना नेचर में जब तक उसमें कोई सेंक्शन बाकी नहीं होगी तब तक कस्टम एक पॉजिटिव लॉ नहीं है एंड फॉर इट टू बिकम पॉजिटिव लॉ इट नीड्स टू बी एम्बॉडिड इन एन एक्ट ऑफ लेजिस्चर दैट इज इट नॉट वी हैव टाइप्स ऑफ कस्टम जैसे मैंने बात की थी बाइंडिंग कस्टम और एक उसका नॉन बाइंडिंग कस्टम भी होता है नाम से वेरी इट्स वेरी क्लियर कस्टम जो विदाउट बाइंडिंग है देर इज़ नो ऑब्लीगेशन कोई लीगल फोर्स बैकिंग कोई नहीं है कोई सैंक्शन बैक नहीं करा बिकॉज ऑफ इट्स नॉन कॉम्प्लाइंट पर्सन ऑफ द इंडिविजअल और द सोसाइटी वुड नॉट फेस एनी सॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंस यानी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज दैन वी हैव कस्टम विद बाइंड ऑब्लीगेशन ये पॉजिटिव लॉ जैसे हमारे पॉजिटिव जूरिस्ट जूरिस्ट बोलते हैं कि पॉजिटिव लॉ तभी बनता है वेन देर इज़ बैकिंग ऑफ द सैंक्शन वेन देर दे आर एम्बॉडीड इन एन एक्ट ऑफ लेजिस्चर तो यही बात हो रही है कि जब बाइंडिंग हो जाएंगे कस्टम जब वो पॉजिटिव लॉ बन जाएंगे देन दोस् कस्टम विथ विल बी कॉल बाइंडिंग ऑब्लीगेशन अब जब बाइंडिंग कस्टम होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं लीगल कस्टम्स एंड कन्वेंशनल कस्टम्स लीगल कस्टम्स आर एब्सिल्यूट इन सैंक्शन कि ये इन ऑल पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इनको फॉलो करना ही करना है दे आर ऑब्लीगेटरी इन नेचर ठीक है और इनके अब दो टाइप्स हैं बाइंडिंग कस्टम में हमारे लीगल कस्टम है उसके दो टाइप्स है जनरल कस्टम एंड लोकल कस्टम जनरल कस्टम नाम से है कि जनरली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ स्टेट ये फॉलो होना चाहिए लोकल कस्टम एक लोकल एक पर्टिकुलर लोकलिटी में ऑपरेट होगा ये ठीक है हमारा कन्वेंशनल कस्टम्स है कन्वेंशनल कस्टम्स जैसे ये एब्सल्यूट था हमारा लीगल कस्टम ये एब्सल्यूट नहीं है दिस इज ओनली इनफोर्सेबल ओनली ऑन देयर एक्सेप्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट ठीक है सपोज़ कॉन्ट्रैक्ट की तरह बट आप कॉन्ट्रैक्ट से इसको कंफ्यूज uh, मत करना क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक हमारा अब लेजिस्लेट हो चुका है बट बिफोर लेजिस्लेशन देर वर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर दैट टू राइट तो उस टाइम पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कन्वेंशनल कस्टम बोलते थे बट आप एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है सच कस्टम इज ओनली इन्फोर्सेबल ऑन द पीपल और पार्टीज द एग्रीमेंट इन कोऑपरेटिंग इट कि कोई एग्रीमेंट होना चाहिए तभी वो इन्फोर्सेबल होगा अब इसमें दो टाइप के होते हैं एक जनरल कन्वेंशनल एक लोकल कन्वेंशनल कस्टम जनरल कन्वेंशनल इज सेम कि डिपेंड्स की जनरली आर दे बींग प्रैक्टिस थ्रू आउट अ टेरिटरी देन दे आर जनरल कस्टम्स लोकल है तो अगर एक पर्टिकुलर या फिर लोकैलिटी में वो प्रैक्टिस हो रहा है तो वो लोकल कन्वेंशनल कस्टम हो जाएंगे ठीक है अब जो कस्टम है और उनकी जो इम्पोर्टेंस है इंडियन परस्पेक्टिव में हमारे बहुत सारे लेजिस्लेशन है यहाँ पे आप देख लीजिए इतने सारे लेजिस्लेशन है जिन्होंने कस्टम को एम्बॉडी करा है लेजिस्लेशन में जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत है ये सब हिंदू कस्टम या मुस्लिम कस्टम पे बेस्ड है यहाँ पर हमारा एक केस भी है आप इसको साइड कर सकते हैं एग्जाम में टू स्कोर मो मार्क्स नाव वी हैव लेजिस्लेशन ये सेकंड सोर्स ऑफ लॉ है अकॉर्डिंग टू सारमन लेजिसलेशन इज द सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिकलेन ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बेसिकली सारमन बोलना क्या चाह रहे हैं कि लेजिस्शन एक ऐसा सोर्स ऑफ लॉ है जो तभी आता है जब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करती है कोई भी चीज़ को एज ए लीगल रूल ठीक है आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर दे आर कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट अ न्यू लॉ राइट तो यहाँ पे वो एक सोर्स ऑफ लॉ हो जाता है नाउ वी हैव टाइप्स मैंने पार्लियामेंट बताया बट वी हैव अदर सॉर्ट ऑफ

इसके ऊपर कोई नहीं है दिस इज द टॉप मोस्ट बॉडी विच इज़ लेजिस्लेटिंग इट कैन नॉट एंड वट एवर लॉ दे आर मेकिंग इट कैन नॉट बी एनल्ड और मोडिफाइड बाय अनदर बॉडी अब जो भी लॉ है दिट कैन नॉट बी कॉल इन टू क्वेश्चन एनी वे अब आप सोचोगे इंडियन पार्लियामेंट में तो सुप्रीम कोर्ट इट कैन कॉल इन टू क्वेश्चन एंड इवन मोरसो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ लास्ट एंड फाइनल से इन हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक विच इज अ वेरी इन्फॉर्मल वे ऑफ सेंग इट बट दैट इज एक्चुअल रियालिटी तो इंडियन पार्लियामेंट इसका एग्जाम्पल नहीं है सुप्रीम लेजिस्लेशन वो नहीं है क्योंकि इट कैन बी को इंट क्वेश्चन बाय द कोर्ट्स इट्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राइट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट दो इट इज a parliament, and it has similar functions as of end and parliament, but it is powerful. Hai. These The law made by this body, which is a so sovereign lawmaking body, cannot be challenged in any court. That is why it's an example of supreme legislation. नाउ वी हैव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की लेजिस्लेशन विच इज इनाइटेड बाई सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग बॉडी इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन दीज लॉ मेकिंग बॉडी है लॉ मेकिंग बॉडी जो अथॉरिटी है इनको मिली है जो कॉम्पिटेंसी इनको मिली है वाई दे डू हैव इट बिकॉज ऑफ सुप्रीम लेजिशन सुप्रीम लेजिस्टिव बॉडी गिविंग दैम द अथॉरिटी और गिविंग दैम डेलीगेटिंग दैम द पावर टू मेक सच लेजिशन सपोज ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किसी अथॉरिटी को पावर दी कि तुम जाओ यू कैन नाउ लेजिस्लेट ऑन so and so subject matter now they are subordinate legislation because they're not obviously supreme but they have the competencies, and have the power to legislate uh, rules and regulation on certain sort of subject matter example is ugc ugc is uh, our uh, grand commission university grand commission um बेसिक रेगुलेशन कर सकती है यूनिवर्सिटी को लेके सब्जेक्ट मैटर का यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहता है बट दे दे हैव बीन डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट सेल्स जो कि एक सुपीरियर लेजिसलेटिव बॉडी है न देर आर डिफरेंट टाइम्स ऑफ सबार्डिनेट लेजिशन हमने सबॉर्डिनेट लेजिशन देखा था विच आर बिंग डेलीगेटेड बाई द सुप्रीम लेजिसलेशन अब इनके भी टाइप्स हैं एग्जीक्यूटिव लेजिशन कि हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव होते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो विच आर ग्रांटेड एंड कंफोर्ड रूल मेकिंग पावर्स कि कुछ कुछ टाइम पे देखा एंड मेक रूल्स जैसे ऑर्डिनेंस है या फिर कोई रीजन है वैन द लेजिस्लेशन इज नॉट सिटिंग वो सिटिंग में नहीं है कि इट्स नॉट इन सेशन तो उस टाइम पे एक्जीक्यूटि कैन पास ऑर्डिनेंस दैट इज़ वन वे ऑफ लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिंग पावर बाय द एग्जीक्यूटिव अनदर इज जैसे यूजीसी है ये भी एग्जीक्यूटिव एक्षी, अपॉइंट करते हैं यूजीसी हेड्स को तो इनको भी एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं विच हैव गॉट इन द पावर टू लेजिस्लेट देर देक्जीक्यूटिव लेजिसलेशन देन वी हैव कॉलोनियल लेजिस्लेशन बेसिकली जो भी टेरिटरीज हैं जो किसी दूसरी कंट्री की कॉलोनी है जैसे ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया थी एक टाइम पे तो लेजिस्लेशन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगा देवर एप्लीकेबल इन इंडियन टेरिटरी तो ये कॉलोनियल कॉल लेजिस्लेशन है ठीक है जुडिशियल लेजिस्लेशन की कभी कभी कोर्ट कैन इनैक्ट ऑट इन रूल्स ऑफ एन इंटरनल इन फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट रूल्स या फिर हाई कोर्ट रूल्स कोर्ट्स बना लेते हैं दे डू नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम सॉरी और इन सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी राइट मुनिसिपल लेजिस्लेशन के जो मुंसिपल अथॉरिटीज होते हैं दे ऑल्सो है इंटरनल रेगुलेशन की बात करते हैं अगेन ठीक है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन हमारे होते हैं जहाँ पे विच इज़ कंसोन विद बॉडीज लाइक यूनिवर्सिटीज़ कोऑपरेशन क्लब्स एट्सट्रा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जहाँ पे डेलीगेटेड द लेजिस्लेटिव पावर इज डेलीगेटेड टू सर्टेन बॉडीज लाइक यू जी सी की बात करी थी बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन अब पार्लियामेंट जो कि सुपीरियर लेजिस्लेटिव बॉडी है विच हैज डेलीगेटेड यू जी सी विच इज़ अब ऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव बॉडी इट्स एन कॉम्पिटेंसी दे दिया उनको कि आप नाउ यू कैन मेक लॉज ऑन दिस पोर्टिकलर सब्जेक्ट मैटर अ प्रिंसिपल प्रिंसिपल एट कैन क्रिएट सब्सिडरी लेजिस्लेशन दैट कैन मेक लॉज एज प्रोवाइडेड इन द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन कि इंट्रावेयर होना चाहिए जो जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन में उनको अथॉरिटी मिले उसी अथॉरिटी के अंदर ही वो लॉ बना सकते हैं नाव जो डेलीगेटेड लेजिशन है इट कैन भी कंट्रोल इन द फॉलोइंग वेज अगेन ये मैंने वी डी महाजन से लिया ताकि यू कैन राइट बेटर एंड बेटर एंड मोर सोफेस्टिकेटेड सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज एंड एग्जाम्स तो डिफरेंट वेज होते हैं आप डेलीगेटेड लेजिस्लेश को कंट्रोल कैसे कर सके पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है कि नाव पार्लियामेंट हैज़ ऑलवेज जनरल कंट्रोल क्योंकि वो एक सुपीरियर लेजिलेटिव बॉडी है ठीक है तो वे ना बिल इज़ बिफोर इट इट कैन मोडिफाई अमेंड और रिफ्यूज ऑल टूगेदर द पावर इज़ द बिल प्रपोजल कन्फर टू मिनिस्टर और सम अदर सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी तो पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है कि कभी भी वो अमेंड करके कभी भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर ज़्यादा पावर कन्फर कर सकती है किसको जो हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उनको पार्लियामेंट्री सुपरविजन कि अगर जैसे कोई भी हमारी डेलीगेटेड लेजिस्टिव बॉडीज़ हैं उनको कोई भी लेजिस्लेशन लाना है उनको कोई रूल बनाना है देन दे इन दिस सनार्यू सुपरविजन अगर ये है अगर ये पार्लियामेंट ने लॉ प्रिंसिपल एक्ट में बना रखा है कि पार्लियामेंट्री सुपरविजन होगा तो उस सिनेरियो में जो भी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो भी कुछ भी लेजिस्लेशन बना रही है इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री बॉडी इट्सल्फ ठीक है जुडिशल कंट्रोल जैसे पार्लियामेंट जुडिशरी uh, का पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट पर कंट्रोल है वैसे ही डेलीगेटेड बॉडीज पर भी कंट्रोल है कि वो अल्ट्रा वायर्स आक न करे कि जितना उनको पावर डेलीगेट करी गई है पार्लियामेंट से उतनी ही वो पावर यूटिलाइज़ करे और मोस्टली वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी होनी चाहिए तो ये जुडिशल कंट्रोल होता है इसको जुडिशल रिव्यू भी बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी बॉडी की अगर उन, 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 उन उनका इंटरनल कंट्रोल ही पॉसिबल हो जाए अगर कि वो अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ख़ुद ही इंटरनल कंट्रोल कर लें तो वहाँ पे ये एक सॉर्ट sort ऑफ of, एक सॉर्ट ऑफ़ कंट्रोल है उनके लिए पब्लिसिटी पब्लिक ओपिनियन भी एक गुड चेक है उनकी आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर का भी पावर ऑफ लेजिस्लेशन का तो दीज आर द वेज विद विच डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड नॉ जुडिशल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ ये हमारा थर्ड है एंड द लास्ट सोर्स ऑफ लॉ जुडिशल प्रेसिडेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इट इज नीधर एज मॉडर्न एज लेजिशन कि वो लेजिस्शन से नया नहीं है नीधर इट इज़ ओल्ड एज कस्टम नीदर कि वो कस्टम से पुराना है तो इट्स एंड इन द मिडिल इट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉमन लॉ इज अनरिटन एंड ओविड ओरिजिन टू जुडिशियल प्रेसिडेंट अब देखो यहाँ पे कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ का डिफरेंस आ जाता है कि कॉमन लॉ में जुडिशियल प्रेसिडेंट से कि अब जैसे जो भी जुडिशियल डिसीजन आया दैट विल भी फॉलोड इन द लेटर प्रेसिडेंट ऑल्सो कि जो भी लेटर डिसीजन जो या फिर इट विल द अदर जजेस विल टेक इट इन द अकाउंट वाइल एडजुडिकेटिंग ऑन एनी मैटर इन फ्यूचर जो उनकी पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं ठीक है बट सिविल लॉ में क्या होता है कंट्रीज़ लाइक जर्मनी फ्रांस इटली यहाँ पे सिविल लॉ है तो यहाँ पे क्या होता है तो जुडिशियल प्रेसिडेंट है इट इज़ ओनली इंस्ट्रक्टिव इन नेचर वो अथॉरिटेटिव नहीं है कि बस वो केस बाय केस वो सॉल्व करते हैं सिविल लॉ में और वो जो पुराना प्रेसिडेंट होता है उसको एज अथॉरिटी लेके नहीं एजुडिकेट uh, नहीं कर सकते उनको एजुडिकेट वैसे ही करना है जैसे लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है जैसे रूल्स में लिखा हुआ है बट द ओनली थिंग इज़ जो उनका प्रीवियस प्रेसिडेंट है वो एक इंस्ट्रक्टिव इन नेचर बन जाता है कि उनको बताता है कि हाउ द प्रिंसिपल हैव टू बी अप्लाइड तो उस सेंस में आप सिविल लॉ में प्रेसिडेंट्स अप्लाई करते हैं बाकी कॉमन लॉ में प्रेसिडेंट्स हैव अ बाइंडिंग फोर्स ऑन जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स जैसे अथॉरिटेटिव की बात है बाइंडिंग होने का मतलब क्या अथॉरिटेटिव बट सिविल लॉ में क्या है जो भी कंट्रीज हैं इनमें सिविल लॉ होता है वहाँ पे ये इंस्ट्रक्टिव है नॉट अथॉरिटेटिव कि वो बाइंडिंग नहीं है बट कॉमन लॉ में ये बाइंडिंग है फॉर डिसाइडिंग सिमिलर केसेज इन फ्यूचर राइट तो अब कॉमन लॉ में डॉक्ट्रीन जुडिशियल प्रेसिडेंट पॉसिबल क्यों है बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्रीन ऑफ प्रेसिडेंट विच इज़ वॉट कि स्टेरियडिसाइज का दूसरा नाम है डॉक्टर ऑफ प्रेसिडेंट की विच मीन्स स्टैंडिंग बाय जजमेंट की जो जजमेंट आई है जो प्रिंसिपल उसमें आया है दैट विल बी फॉलोड बाय द अदर कोर्ट्स एज वेल और दूसरी जो फ्यूचर जजमेंट आएगी वो भी फॉलो करेंगी तो ये कहाँ पे इंश्राइन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल वन फोर वन वहाँ पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री ठीक है सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन करेगी सारे हाई कोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट कोई भी कोर्ट हो सारे कोर्ट्स विल फॉलो वट एवर द डिसीजन विल बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे दैट इज वाई जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ ठीक है बट हाउ एवर ऑब्वियसली द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग ऑन इट कि वो रिव्यू करके रिविजन कर सकती है अपने डिसीजन का एक क्यूरेटिव पटिशन भी होता है कि इसमें सेकेंड टाइम यू कैन गो रिव्यू पटिशन में क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया आप उसी बेंच को बोलोगे कि एक बार आप रिव्यू कर लो क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सो एंड सो प्रॉब्लम है प्राइम फेस की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके जजमेंट में या फिर आप क्यूरेटिव पिटिशन में डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आप ये बोलते हो कि कि अब वो सेम बेंच नहीं करेगी रिव्यू बट राजा सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस केस को उठाएगा क्यूरेटिव पटिशन की एक इनोवेशन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अवेलेबल नहीं है तो दैट इज वाई आर्टिकल वन फोर वन से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग ऑन इट्सल्फ ठीक है वन द केस हैज बीन डिसाइडेड बाई द जस्ट टू अपलाय द प्रिंसिपल वेन सिमिलर फैक्ट्स अराइजिंग इन द फ्यूचर दे शुड बी अपलाइड एंड डिस बाई अप्लाइंग अ सेम प्रिंसिपल इन फ्यूचर केसेज एज वेल तभी इसको हम बोलते हैं जुडिशल प्रिंटे प्रेसिडेंट अथॉरिटेटिव है नेचर में नॉट जस्ट इंस्ट्रक्टिव दे हैव टू बी फॉलोड इन फ्यूचर केसेज एज वेल जहाँ पे सिमिलर फैक्ट्स आराइज होते हैं इट्स अ रूल ऑफ लॉ फॉर सबसिक्वेंट डिसीजन टू कम रूल ऑफ लॉ है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वॉट इज रूल ऑफ लॉ बट इट्स अ फॉर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ की अब जो सब्सिक्वेंट डिसीजन होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे जो हमारे प्रेसिडेंट है तभी प्रेसिडेंट को हम सोर्ट्स ऑफ लॉ कहते हैं अगेन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सोर्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है दिस डज नॉट ऑलवेज सेव द टाइम एंड द लेबर ऑफ जजेज कि हमेशा ये टाइम एंड लेबर ऑफ जजेस सेव नहीं करता है बट ऑल्सो सॉरी इट नॉट ओनली सेव द टाइम एंड लेबर ऑफ द जजेज बट इट ऑल्सो मेनटेन सोर्टिटी एंड प्रोडिक्टिविलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ कि अगर सपोज प्रेसिडेंट uh, अथॉरिटेटिव नहीं है तो जजेस को क्या है दोबारा पूरी चीज़ को दोबारा देखना पड़ेगा सारे रेगुलेशन दोबारा चेक करने पड़ेंगे प्रिंसिपल अपना खुद बनाना पड़ेगा रादर दे के नॉट से दैट वी आर फॉलोइंग थ्रू एन सो प्रिंसिपल बिकॉज वो तो अथॉरिटेटिव है ही नहीं तो दे हैव टू डू एवरी अगेन तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है लेबर ऑफ जजेस भी होगा वेस्ट उसमें एंड बट वैन यू फॉलो प्रेसिडेंट यू विल ऑलवेज नो कि हाउ द नेक्स्ट केस वो टर्न आउट बिकॉज नाउ यू नो कि ऐसे सिमिलर फैक्ट्स में ये ये डिसीजन आएगा ये ये रीजनिंग है बिकॉज इसकी तो फ्यूचर में यही रीजनिंग अप्लाई होगी अगर सिमिलर फैक्ट्स राइज होते हैं तो देयरफॉर वी हैव सर्टेनिटी इन प्रेडिक्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ देन वी हैव टाइप्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स अब प्रेसिडेंट्स की भी टाइप्स होते हैं ऑर्डिनरी डिक्लेरेटिव अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव सॉरी ऑर्डिनरी नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल एंड डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट्स हम पढ़ रहे हैं अब जुडिशियल डिसीजन दो टाइप के होते हैं एक ऐसा डिसीजन होगा जो एक नया लॉ बनाएगा बिल्कुल हम उसको बोलेंगे ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्योंकि ओरिजिनल है वो ठीक है इट्स अ लॉ मेकिंग डिसीजन बाय द कोर्ट तो इट दैट इज एज इट्स कॉल्ड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स अब एक दूसरा टाइप ऑफ जुडिशियल डिसीजन है दोज विच अप्लाई नोन एंड सिस्टमैटिक प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ लॉ अब नॉन सिस्टमैटिक प्रिंसिपल ही अप्लाई कर रहे हैं बस फैक्ट्स डिफरेंट है तो उसको हम डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट बोलेंगे कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि सो एंड सो प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल सो फैक्ट्स ऑल्सो तो ये हमारे दो टाइप हो गए नेक्स्ट है वी हैव अथॉरिटेटिव एंड प्रेसिडेंट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की जहां पे जजेज आर बाउंड टू कंसिडर पास्ट प्रेसिडेंट एंड दे हैव टू एजुकेट ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रेसिडेंट ओनली जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई पास किया जजमेंट तो नाउ द केरला हाई कोर्ट और डेली हाई कोर्ट हैव टू फॉलो मतलब दे आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट अब परसुएसिव प्रेसिडेंट क्या है जो इट इज़ परसुएसिव नेचर ये बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के पास कोई कंपल्सन नहीं है टू फॉलो इट टू एजुकेट ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रेसिडेंट ओनली कि दे हैव द ऑप्शन टू डिसाइड वेदर टू फॉलो अ प्रेसिडेंट और नॉट जैसे कोई भी डिसीजन है डेली कोर्ट का अब केरला हाई कोर्ट कैन मे और मे नॉट फॉलो सच प्रेसिडेंट यहाँ परसुएसिव प्रेसिडेंट है बिकॉज ये अथॉरिटेटिव या बाइंडिंग नहीं है केरला हाई कोर्ट पर अब कुछ चीजें कोई भी जजमेंट में दो टाइप की दो पार्ट्स होते हैं एक में. Reasoning, reasoning क्या था, अपने कौन सा अप्लाई किया इट कंटेन्स लीगल प्रिंसिपल विद एन अथॉरिटेटिव एलिमेंट कि रेशियो डेफिडेंडी ही प्रेसिडेंट में अथॉरिटेटिव होती है अब जो रेस्ट पार्ट है ऑबिटर डिक्टा दैट इज नॉट अथॉरिटेटिव इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन बाय द जजेस ऑन द रिटर्न जजमेंट सपोज अगर जज ने महा गांधी का कोटेशन कोट कर दिया जज जजमेंट में ही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरा फ्यूचर केस में कोई फ्यूचर जज उस सिमिलर फैक्ट्स में अगर है तो वही कोटेशन उसको फॉलो करनी ही पड़ेगी नहीं इट इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ द जज इट्स नॉट ए लीगल रीजनिंग में देरफर इट्स नॉट बाइंडिंग नो एंड अ जज में इन द जजमेंट ऑफ अ केस डिक्लेयर सम लीगल प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन अब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो ये ये प्रिंसिपल तब भी अप्लाई हो सकते हैं बट वो रेशियो की तरह हम नहीं माने वो बाइंडिंग नहीं मानेंगे क्योंकि बाइंडिंग वही मानेंगे जहां पे लीगल रीजनिंग उस जज ने एजुडिकेट करी है अपनी जजमेंट के लिए और बेटर में जस्ट हाइपोथेटिकली वो बातें कर रहे हैं या फिर उनका सिर्फ ओपिनियन है इसलिए वो बाइंडिंग नहीं है नाउ द फैक्टर्स विच इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट कि अगर प्रेसिडेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि सपोज नंबर ऑफ़ जजेस ज़्यादा हैं तो ये फैक्टर्स एक प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को या फिर प्रेसिडेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है तो वही नंबर ऑफ जजेस जिस बेंच से कॉन्स्टिट्यूट करें सपोज़ फ़ाइव जज बेंच ने कोई डिसीजन दिया और सेवन बेंच ने कोई डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज हैं लेकिन सेवन बेंच वाले को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे क्योंकि क्योंकि देर आर हाई नंबर ऑफ जजेज अगर यूनानिमस युन, डिसीज़न है दैट इज़ एवरी वन एवरी जज इन दैट बेंच हैज़ कॉन्कर्ड सपोज़ दो बेंच हैं दोनों ने दो सॉरी ए दो मेंबर बेंच हैं दोनों जजेस ने करा है कराया फिर दोनों जजेस ने एग्री कराया कि हाँ यही डिसीजन हम दोनों सहमत है कि ये डिसीजन ही होना चाहिए कॉन्ट्रडिक्ट्री डिसीज़न नहीं है अगर यूनानिमस है तो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है अप्रूवल बाय अदर कोर्ट सपोज एक सबॉर्डिनेट कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया जो, so, uh, sub, uh, जो कि एक हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया नाउ इट हैज अ बेटर प्रिसिडेंट फॉर द नेक्स्ट केस इन दैट नेक्स्ट हाई कोर्ट या फिर इन दब सबऑर्डिनेट कोर्ट टू फॉलो इट क्योंकि उसकी अथॉरिटी ज़्यादा हो गई है या फिर अगर जो लॉ पास हुआ है नॉट लेजिस्टर uh, ने कोई लॉ पास किया है विच इज इन एक्टिंग द सेम लॉ विच हैज़ बिन पुट डाउन इन अ जजमेंट कि एक जजमेंट ने बोला कि सो एंड सो सपोज बेसिक प्रिंसिपल बेसिक डॉक्टर आप जानते होंगे केशवनंद भारती से आया था अब वो डॉक्टर अगर लेजिस्लेशन ने इैक्ट कर दिया तो नाउ इट हैज़ मोर वैल्यू ठीक है तो दीज आर द फैक्टर्स बाई विच अ वैल्यू ऑफ प्रेसिडेंट कैन भी इंक्रीज नाउट द फैक्टर जिससे अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी डिक्रीज दे आर कि अगर जजमेंट को रिवर्स कर दिया किसी हायर कोर्ट ने या फिर जजमेंट को एक स्टैचू ने ही रिवर्स कर दिया है कि स्टैचू जजमेंट ने बोला ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए बट स्टैचू ने बोला ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए तो स्टैचू विल प्रिवेल अब अगर इनकन्सटेंसी है विद प्रीवियस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट सपोज एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने कोई जजमेंट पास करी एंड लेटर वी रियलाइज किया अरे वो तो इनकन्सिस्टेंट थी जो भी डिसीजन या फिर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट ने बनाया था बिकॉज इट्स नावर सोर्स ऑफ लॉ अगर उस सोर्स ऑफ लॉ का एप्लीकेशन ढंग का नहीं है तो उसकी अथॉरिटी इज़ वेरी लेस अगर इनकन्सिस्टेंसी विद प्रीवियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ द सेम रैंक अगर हाई कोर्ट नहीं कोर्ट का डिसीजन चेंज करे तब भी उसकी अथॉरिटी थोड़ी कम होती है इनकन्सिस्टेंसी विद ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्टैचुटरी रूल्स अगर आपने स्टैच्यू को या फिर लेजिस्लेशन को ही फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियसली उसकी अथॉरिटी कम होगी थैंक यू नाउ वी आर डन विद द आर सोर्स ऑफ लॉ होप टू सी यू